चुनाव के लिए अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य में प्रचार प्रसार का आगाज हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के सभी नेताओं को विशेष टारगेट दिया है और इसी कारण से प्रदेश में ताबड़तोड़ सभाओं का दौर चल रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद 3 अलग अलग सभाओं में शिरकत की, जिसमें जमवर रामगढ़, भांडारेस और भरतपुर के पहाड़ी में आयोजित सभा शामिल है। 2 दिन में 5 जिलों में सभाएं हो गई हैं। आने वाली 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी 25 सीटों के जिलों में मीटिंग करेंगे। सरकार के प्रत्येक मंत्री को 3 सभाओं का टारगेट मिला है। उधर PCC ने चुनाव संचालन के लिए अपनी टीम भी बना ली है। मोदी जी पिछले चुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए, उन वादों का भूल गए। अगर उन्हें हिम्मत है तो कहे कि मैंने ये वादे किए थे, काला धन का हो, रोजगार का हो, नौकरियों का हो, महंगाई कम करने का हो, किसानों के लिए हो, जो वादे किए वो कहे भी ये मैंने वादे निभाए हैं और ये मैं नहीं निभा पाया, इसके कारण ये है, कोई दिक्कत नहीं है और आगे मैं ये करना चाहता हूँ। ये इसके आधार पर चुनाव मैदान में जाना चाहिए उनको। और विपक्ष कहेगा भाई आपने ये आप कामयाब नहीं हुए, आप काला धन लेके नहीं आए 1 रुपया भी, 15 लाख रुपये खाते में डाल देंगे हर परिवार में, हर व्यक्ति के, वो पैसा आ ही नहीं खाते के अंदर, महंगाई कम हुई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई आधे से ज्यादा तेल की, तब भी हमारे यहाँ दाम बढ़ते ही गए, ये क्यों? रोजगार 2 करोड़ रुपये देने की बात थी, उसका क्या हुआ? ये विपक्ष पूछेगा उनसे, ये लोकतंत्र का कायदा होता है। और फिर आप जो जज हो, आप न्यायिक अधिकारी हो, आप भाई बाप हो लोकतंत्र में, जनता फैसला करेगी देश की। कभी बात सुन ली है मोदी जी की सरकार की और विपक्ष की, अब हमारा फैसला ये है। आम चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीति दल पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। प्रचार के मामले में फिलहाल प्रदेश भाजपा की बजाय कांग्रेस आगे निकल रही है, क्योंकि 2 दिन में CM गहलोत ने प्रभारी अविनाश पांडे के साथ राज्य के 5 जिलों में चुनावी सभा कर ली है। वहीं तीसरे दिन भी 3 और सभाओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर 75 बड़ी जनसभाएं व ब्लॉक स्तर पर 400 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। खुद राहुल गांधी भी राजस्थान में आधा दर्जन से ज्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी की भी सभाओं का कार्यक्रम रखा गया है।